राहुल गांधी ने कैसे मार दिया? यूं मारा सदन में, और इस मूर्ति रानी को चेहरे पे पड़ा जाके वो बिलबिला गई कि मेरे पड़ा। हेमा मालिनी ने कहा कि हमने नहीं देखा। पुराना बैकग्राउंड जब आप देखेंगे तो शर्म आ जाएगी। उसकी सहेली ने अपने घर में उसको आश्रय दिया जब उसके पास दो रोटी खाने को नहीं थी। उस महिला के पति को उसने हाईजेक करके उसके साथ शादी कर ली, वो क्या चरित्र की बात करेगी? राहुल गांधी डायरेक्ट अगर उनको देते तो हो सकता है वो ना तिल मिलाती, लेकिन वो डायरेक्ट उन्होंने चेयरपर्सन को दे दिया। जब उधर गया तो सोची उधर का आ जाए, हम अपनी तरफ ले ले, इसीलिए खटाक से उठ गई, पकड़ लिया झटाक से। बीजेपी सरकार इतनी निष्ठा पे उतर आई है, पुरुषों को अलग हटा करके महिलाओं को आगे कर रहे हैं कि भैया अब तुम संभालो, हमारे बस का नहीं रहा। अभी टेंशन नहीं उड़ता हुआ चुम्मा बता रहे हो तो कहीं बता रहे हो स्मृति ईरानी को मिला नहीं इसलिए नाराज हैं। लेकिन एक बात जरूर कहेंगे, स्मृति ईरानी जो है बहुत लकी, जिसको सारा देश अपनी तरफ कैप्चर करना चाह रहा है उसके बताओ चुम्मे के पीछे पड़ गई। क्या नाम है समझ ले? भैया मेरा नाम कुलदीप सिंह है। क्या हाल है भैया? क्या हाल है भैया? बढ़िया हाल, ठीक है। अपने बताओ, आजकल सदन में बड़ा गहमा गहमी चल रहा है, चुम्मा चल रहा है, राहुल का हुआ चुम्मा, देखा कि नहीं देखा? उड़ता हुआ चुम्मा ले लो। स्मृति ईरानी की बात कर रहे हैं क्या? अब वो किसी की बात हो, सदन में दुनिया देख रही है, हम भी देख रहे हैं सदन में। कौन उड़ता हुआ चुम्मा ले रहा है? उड़ता हुआ चुम्मा राहुल गांधी ले रहा है, वो कौन ले रहा है भाई? राहुल गांधी ने कैसे मार दिया? यूं मारा सदन में। अच्छा, वो आदत है राहुल गांधी का यूं कहने की है। और इस मूर्ति रानी को चेहरे पे पड़ा जाके वो बिलबिला गई कि मेरे पड़ा। तो उन्होंने कहा था ये फ्लैंक किस कर रहे हैं? हेमा मालिनी ने कहा कि हमने नहीं देखा, वो कह नहीं पड़ा हमारे ऊपर। अच्छा, वो कह रहे पड़ा है, हेमा मालिनी कह रहे नहीं पड़ा। नहीं, हाँ हेमा मालिनी कह रहे मेरे ऊपर नहीं आया। ये उड़ता हुआ चुम्मा था या उड़ता हुआ तीर था? उड़ता हुआ चुम्मा था, तीर ही कहा था भैया। स्मृति ईरानी ने तीर ले लिया, घायल हो जाएगा फिर चुम्मा क्या करेगा? स्मृति ईरानी तीर ले ली इनका और क्या, क्या कहेंगे चाचा? बता रहे हैं कि सीधा उस वो ले ली इस मूर्ति रानी कि मेरे ऊपर पड़ा सदन में। जिस आदमी को करोड़ों अरबों रुपए खरबों रुपए खर्च किया पप्पू बनाने में पिछले 10-11-12 सालों में, उस आदमी ने पूरी भाजपा को पप्पू बनाने का काम किया। पप्पू नहीं बनाया है, स्मृति ईरानी बता रहे फ्लैंकिस, उड़ता हुआ चुम्मा। स्मृति ईरानी का पुराना बैकग्राउंड जब आप देखेंगे तो शर्म आ जाएगी। जिस महिला ने उसकी सहेली ने अपने घर में उसको आश्रय दिया जब उसके पास दो रोटी खाने को नहीं थी, उस महिला के पति को उसने हाईजेक करके उसके साथ शादी कर ली, वो क्या चरित्र की बात करेगी? उसका चरित्र उसका कैरेक्टर खुद नहीं ठीक है, वो दूसरे महिला के ऊपर या दूसरे पुरुष पे कैसे टिप्पणी कर सकती है? वो बता रहे हैं उड़ता हुआ चुम्मा दिए हैं। देखिए, उन लोगों का एक गैंग है, जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि बेटी बचाओ और बेटी पटाओ की बात करते हैं, अपनी बीवी को छोड़कर 3 तलाक की बात करते हैं, जो पत्नी को अपनी छोड़ के आए हो उसको 3 तलाक पे बात करने का कोई अधिकार नहीं। 3 तलाक पे ना करे क्या, और क्या करे? अरे अगर हम अपनी पत्नी को छोड़कर और समाज को संदेश दें कि 3 तलाक नहीं, कि अपनी बीवी को नहीं छोड़ना चाहिए, वो गलत है, 3 तलाक के हम खिलाफ है। लेकिन उसको वो आदमी बता रहा है जो खुद अपनी बीवी को छोड़कर बैठा हुआ है घर में। सबसे बड़ी बात तो यही है कि स्मृति ईरानी जो बोल रहे हैं, बताया उड़ता हुआ चुम्मा देके चले गए राहुल गांधी। जो भैया ने बात बताई क्या गलत बताई क्या है? जो अपने का ना हुआ वो दूसरे का क्या होगा? जब अपने ही नहीं पता है तो स्मृति ईरानी जो है राहुल गांधी पे डोरे डाल रहे हैं क्या? आप डोरे डाल, अजीब बात कर रहे हैं, मतलब भैया क्या डोरे डाल रहे हैं क्या? डोरे डाल रहे हैं क्या? वो इसीलिए उनको खल रहा है। आप खुद सदन की एक क्लिप देख लीजिए कि उसमें वो किसकी तरफ इंडिकेट कर रहे हैं, और लेकिन ये स्मृति ईरानी जी को ये खल गया कि आप उधर काय कर रहे हो, डायरेक्ट हमको करना चाहिए था, तो वो कैप्चर कर ली। क्या कह रहे हो फिर से, इधर आओ जरा, क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो बता भैया? इसलिए रहे हैं, आपने क्या बताया उड़ता हुआ चुम्मा, वो उनकी हर एक एज में जो है। स्मृति ईरानी का कहना है कि उड़ता हुआ चुम्मा मेरी तरफ आया है। आया है तो वो आया, इसीलिए उनको खल गया ना। डायरेक्ट उनको अगर देती राहुल गांधी, डायरेक्ट अगर उनको देते तो हो सकता है वो ना तिल मिलाती, लेकिन वो डायरेक्ट उन्होंने चेयरपर्सन को दे दिया, तो वो उधर से जब उधर गया तो सोची उधर का आ जाए, हम अपनी तरफ ले ले, इसीलिए खटाक से उठ गई, पकड़ लिया झटाक से। उड़ता हुआ चुम्मा की हर एक उड़ता हुआ चुम्मा अपना ले ली। उनकी हर एक एज में डिमांड बढ़ती जा रही है। यार हमें एक बात नहीं समझ में आ रहा है, ये क्या मतलब है आपका कहने का? मतलब कि स्मृति ईरानी बैठी हुई थी और उसके बाद में सभापति की तरफ जो है राहुल गांधी ने कुछ किया हरकत और स्मृति ईरानी को बुरा लग गया? एक चीज आपको बताएं। हाँ बताइए। सरकार में जब कोई भी पार्टी होती है तो वो ईरानी को जानते हो आप? बिल्कुल जानते हैं। हिंदुत्व की बात करती हैं, हिंदुत्व की बात करती हैं वो। क्या बात कर रहे हो? अमेठी से सांसद है, मौजूदा मंत्री हैं।
मौजूदा मंत्री हैं, बहुत अच्छी बात है। महिलाओं की बात करते हैं, महिलाओं की बात करती हैं, कलावती के बारे में क्या बोला अमित शाह जी ने, अपने बारे में ये जो बता रही हैं, महिलाओं की बात करती हैं, खुद एक महिला है ना, तो ये झूठे आरोप उस आदमी पे क्यों लगा रही हैं कि उन्होंने जो है फ्लाइंग किस किया। आप सदन की क्लिप देख लीजिए ना, वो तो सीधा सीधा दिखा रहे। और एक बात, आप मीडिया को चाटुकार कहें या क्या कहें, लेकिन सदन के कैमरामैन को हम जरूर कहेंगे कि वो इधर उधर की नहीं, अगर राहुल गांधी खड़े हैं या कोई और विपक्ष का नेता बोल रहा सरकार के ऊपर कटाक्ष कर रहा है तो उसको नहीं दिखा रहे हैं। फिर किसको दिखा रहे हैं? सदन को। सदन के आपका कहने मतलब राहुल गांधी को सिर्फ दिखावे का? राहुल गांधी को अगर कोई बात कह रहा है, मुद्दे की बात उठा रहा है, तो उसको दिखाना चाहिए ना। वही कैमरा मोदी जी जब रहते हैं, देश के प्रधानमंत्री रहते हैं, लगातार उन्हीं के ऊपर कैमरा रहता है, आप क्या बात कर रहे हैं? तो यही तो मीडिया का मामला है, मोदी जी से लैला मजनू की कहानी तो यही है मीडिया से। लैला मजनू कहानी और क्या, वो अपने मजनू का क्या यार, वो अपने मजनू को नहीं छोड़ रही है मीडिया। मीडिया दिमाग खराब हो गया है, हमें लग रहा है दिमाग खराब हो गया। दिमाग भैया क्या बाल बाल जा रहे हैं, इसीलिए दिमाग भी सरक रहा है थोड़ा थोड़ा। बस आधी टेंशन ही उड़ता हुआ चुम्मा बता रहे हो, तो कहीं बता रहे हो स्मृति ईरानी को मिला नहीं इसलिए नाराज हैं। लेकिन एक बात जरूर कहेंगे, स्मृति ईरानी जो है बहुत लकी लकी है, बिल्कुल लकी है। काहे? जिसको सारा देश अपनी तरफ कैप्चर करना चाह रहा है, उसके बताओ चुम्मे के पीछे पड़ गई है, वो भी नहीं देना चाह रहे किसी को। गजब है यार, क्या नाम है भैया? भैया मेरा नाम कुलदीप सिंह है। कुलदीप सिंह क्या है, मतलब आपको डर नहीं लग रहा है घर बुलडोजर पहुंचेगा? उस महिला को डर नहीं लगा, उसको अपनी अपनी महिला जात पे शर्म नहीं आई, हया नहीं आई कि हम अपनी अपनी महिला बिरादरी को हम बेइज्जत कर रहे हैं। भाई साहब यहाँ आइए, इनको इनको सुनिए, ये क्या कह रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं भैया? उड़ता हुआ चुम्मा, ऐसे ऐसे बातें कह रहे हैं, बताओ इनको जरा सा लज्जा नहीं आ रही है? लज्जा इनको कहाँ से आए, जब उनको लज्जा नहीं आ रही है तो इनको लज्जा कहाँ से आए? ये तो पुरुष है, वो महिला है। महिलाओं की बात करते हैं स्मृति ईरानी, महिलाओं की बात यही करते हैं ना, यही लिए तो वो अपने आप को कैप्चर कर रही की किसी को ना मिल पाए। ये स्मृति ईरानी को बर्दाश्त नहीं है, आपको पता नहीं? एक बात सुनिए, महिलाओं का हक छीन के दिखाइए स्मृति ईरानी, आपसे लड़ जाए। भैया भैया महिलाओं का हक नहीं, हम आपको भाई एक बात बता रहे हैं, बीजेपी सरकार इतनी निजता पे उतर आई है कि वो अपने आप को अलग हटा करके, समझ रहे हैं, पुरुषों को अलग हटा करके महिलाओं को आगे कर रहे हैं कि भैया आप तुम संभालो, हमारे बस का नहीं रहा। तो इससे अच्छा है थर्ड जेंडर को सदन में प्रधानमंत्री बना दो, वही देश चलाएंगे अच्छी तरीके से, ठीक है। और इनके जैसे धोखेबाज झूठे लोग फरेबी लोग देश की जनता को केवल गुमराह कर रहे हैं। Now and press the bell icon.